अच्छा जी, ये किसी बहन ने कमेंट्स किया है कि इस्लाम में है जैसा हस्बैंड वैसी बीवी। मेरी सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस बात के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आपको इल्म ना हो तो उस पर अमल करने से पहले या आगे शेयर करने से पहले तहकीक कर लिया करें। दूसरी बात, यकीन करें ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसका मतलब हमारे माशरे में सरासर गलत लिया जाता है। बेशक कुरान में है सूरह नूर की आयत नंबर 26, अलखबीसातु लिलखबीसीना वलखबीसूना लिलखबीसात, यानी बदकार औरतें बदकार मर्दों के लिए और बदकार मर्द बदकार औरतों के लिए। बिल्कुल इसका तर्जमा इसी तरह से है, लेकिन याद रखें कि कुरान मजीद की किसी भी आयत की तफसीर उसके सयाको सबाक के बगैर नहीं की जा सकती। और हमारा अलमिया ये है कि हमें आधा सच बताने की आदत है, लिहाजा अगर सूरत नूर की इस आयत को आगे और पीछे से पढ़ा जाए तो साफ पता चलता है कि यहाँ आखरत की बात हो रही है, ना कि दुनिया की। यानी आखरत में बुरी औरतें बुरे मर्दों के साथ जहन्नम में और अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के साथ जन्नत में होंगी। और अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में फिरौन की बीवी दीन हक पे थी और हजरत नूह अलैहि सलाम की बीवी काफिर थी। लिहाजा इस आयत का तर्जमा ठीक से समझ लें कि यहाँ आखरत का जिक्र हो रहा है, आखरत की बात हो रही है, ना कि दुनिया की। यकीन करें अल्लाह ताला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसका क्या लगता है, उसके यहाँ सिर्फ शिर्क से पाक ईमान की कदर है। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह ताला कमी बेशी दूर फरमाए। मासलाम।